नमस्ते दोस्तों, जैकोबियन टॉपिक में कल हमने उसके बेसिक कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसमें एक और टाइप के एग्जांपल्स हैं फंक्शनल रिलेटेड। इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि इफ यू वी विच आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई आर फंक्शनली रिलेटेड देन दे आर जैकोबियन। डेल ऑफ यू वी बाय डेल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जब हमको यहाँ वेरीफाई करना है यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड है या नहीं है, तो बेसिकली हमको इनका जैकोबियन देखना है। इफ इट इज जीरो देन यस दे आर फंक्शनली रिलेटेड। वो काम होने के बाद फिर हम देखेंगे कि रिलेशन कैसे इनके बीच में फाइंड किया जा सकता है। सॉल्यूशन गिवन दैट यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो इनके डेरिवेटिव यहां फाइंड करके रख लेते पहले। तो देयर डेल यू बाय डेल एक्स क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x है, तो क्वेश्चन रूल से सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर बाय क्वेश्चन रूल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस x प्लस y x x देयर तो दिस इज इक्वल टू लिख दे दीजिए क्या है x देयर माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 2y अपॉन x plus y का स्क्वायर। डेल यू बाय डेल एक्स आ गया। डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में y है, क्वेश्चन टू अप्लाई करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y की बात करिए तो माइनस y है, डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो वाई गया माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। डेल यू बाय डेल एक्स आ गया, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, ये डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। एंड डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन स्क्वायर में दिया हुआ है x प्लस y का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x की बात हो रही है y माइनस फर्स्ट x y इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x प्लस y का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स x प्लस y इनटू 1 चेन रूल से लेंगे और सेकेंड का स्क्वायर तो x प्लस y का स्क्वायर पहले से उसका स्क्वायर मिलने से पावर 4 डायरेक्टली से है पावर 4। इसको सिंपलीफाई करें दिस इज इक्वल टू सिंपलीफाई कर लेते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इसके साथ y मल्टीप्लाई है माइनस 2xy के साथ तो 2x स्क्वायर y माइनस 2xy के साथ y माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन x प्लस y का पावर 4 माइनस 2xy एक बार x के साथ है माइनस 2xy एक बार y के साथ तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ टर्म और कैंसिल होते दिखती है इट इज x स्क्वायर y प्लस y क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन x प्लस y का पावर 4 तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है इट इज इक्वल टू ये तीन टर्म बच रही है तो ये तीन टर्म में y कॉमन दिखता है तो y कॉमन लेके लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये दोनों को भी मिला दो ना ये दोनों को भी मिला दो x square y minus 2x square y तो ये हो गया y cube minus x square y
1 minus 2 is minus 2 upon x plus y का power 4. देखो ये दोनों टर्म मिल गई y, इसमें से y कॉमन लिखा जा सकता है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y अपॉन x प्लस y का पावर 4. फिर फैक्टर बनते लिखते y माइनस x, y प्लस x इनटू y अपॉन x प्लस y का पावर 4, एक x प्लस y डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर del v बाय del x इज इक्वल टू y, y माइनस x अपॉन x प्लस y का पावर 3. x प्लस y एक फैक्टर डिवाइड करते हैं. अब सिंपल डेरिवेटिव नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, तो ये पहले से फाइंड करके रखना पड़ेगा जैकोबियन में पुट करने के लिए. डेल वी बाय डेल एक्स आ गया, डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर. शुरू करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई की बात हो रही है, एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो रहेगा एक्स माइनस फर्स्ट एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2 टाइम्स x प्लस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन 1 अपॉन सेकंड का स्क्वायर x प्लस y का स्क्वायर पावर 4 हो गया. इसको ठीक कर लेते हैं, x टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट ओपन किया, यहां पर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2xy राइट, और एक काम और आसान काम कर सकते थे, दोनों में x प्लस y कॉमन है, सीधा सीधा x प्लस y निकल के x प्लस y से डिवाइड कर देते. इतना डिटेल अभी हमने सॉल्व किया, और थोड़ा आसान तरीका दिख रहा है, दोनों टर्म में से x प्लस y कॉमन, यहां बच गया x into x प्लस y माइनस 2 टाइम्स x y अपॉन x प्लस y का पावर 4, एक x प्लस y को डिवाइड कर, ये रह गया x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का पावर 3, एक डिवाइड हो गया, एक फैक्टर डिवाइड, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का पावर 3, तो देयरफॉर डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का पावर 3. सारे डेरिवेटिव हमने मिला लिए, नाउ बाय डेफिनेशन j व्हिच इज डेल u v बाय डेल x y इज इक्वल टू डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y इक्वल टू रखो वैल्यूज u के डेरिवेटिव्स फर्स्ट रो में, तो u के डेरिवेटिव्स यदि इनको हम नंबर दे दें, ये u1, ये v2, ये डेरिवेटिव 3, ये डेरिवेटिव 4, ठीक है, फिर ये सिंपलीफाई करके आया 5 और ये डेल वी बाय डेल वाई 6, सभी को नंबर दे दिए, रखते जाओ डेल यू बाय डेल एक्स नंबर 3 से 2y अपॉन x प्लस y का स्क्वायर, डेल यू बाय डेल वाई नंबर 4 से माइनस 2x अपॉन x प्लस y का स्क्वायर, del u by del x and del u by del x here. Number 5 में y into y minus x x plus y का power 3 और del u by del y x into x minus y upon x plus y का power 3 by क्या है 3 4 5 6 values put कर दी. 2 by 2 का डिटरमिनेंट है, x1 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ओह सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और सबट्रैक्ट करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको लिख देते हैं 2xy x minus y न्यूमरेटर के चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में x प्लस y का पावर 5, ओके माइनस साइंस, अब ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से सामने माइनस है, प्लस हो गया, प्लस
2xy y minus x, 2xy y minus x upon x plus y का क्यूब इनटू x plus y का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देते पावर 5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, x plus y का पावर 5, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो 2xy x minus y, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, 2xy x minus y सेम टर्म विद अपोजिट साइन इज इक्वल टू 0 अपॉन x plus y का पावर 5। तो देयरफॉर जैकोबियन व्हिच इज डेल यू वी बाय del x y is equal to 0 imply function u and v are related, u and v are functionally related, functionally related by a result, by a result. एक part to prove हो गया कि yes they are related। अब ये दोनों में relation क्या है वो find करना है। तो टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड वी, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड वी, अभी थोड़ा ट्रायल और एरर टाइप का काम होगा। यू को ऑब्जर्व करो, वी को ऑब्जर्व करो। तो वी में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दिख रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब हमको U का स्क्वायर लेना पड़ेगा। U का स्क्वायर V से रिलेट हो सकता है, मतलब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन तैयार करना है। तो एक काम करते हैं, U का स्क्वायर देखो क्या हो गया। U का स्क्वायर x minus y upon x plus y का होल स्क्वायर which is equal to x plus y का स्क्वायर, और न्यूमरेटर को एक्सपांड करते हैं, डिनोमिनेटर को रहने देते क्योंकि V में x plus y का होल स्क्वायर दिख रहा है। यहां पर हो गया x स्क्वायर plus y स्क्वायर minus 2xy। अब यहां यदि इनको सेपरेट सेपरेट कर दे तो v इन्वॉल्व कर सकते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर को यदि सिंपलीफाई किया तो ये एकदम आते दिख रही है, तो जो v है। लेकिन पूरा पूरा u और v में रिलेशन तैयार करना है, मतलब ये जो है इसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं देख, तो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v, है ना, ये आगे बाय 2v। लेकिन अभी u और v में रिलेशन नहीं हुआ, ये भी कुछ है यहां, इसको ठीक करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब यदि इनको हमको सिंप्लीफाई करना है तो इसको x plus y का होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तब जाके वो इसके साथ वर्कआउट हो सकता है। इसको लिख सकते हैं x plus y का होल स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने के बाद में प्लस 2xy आएगा जो यहां नहीं है, उसको माइनस 2xy यदि कर दें x plus y का होल स्क्वायर, देखो बता सब ठीक है क्या, क्या क्या हमने x square plus y square को x plus y का होल स्क्वायर, जब इसका एक्सपांड करेंगे तो x स्क्वायर की टर्म y स्क्वायर की टर्म और 2xy आएगा जो है नहीं ऊपर, तो माइनस 2xy बोल के उसको बैलेंस कर लिया। ऐसा करने के बाद अब फिर से सेपरेट करें टर्म्स, x plus y का होल स्क्वायर अपॉन x plus y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स xy अपॉन x plus y का होल स्क्वायर माइनस 2v। अब काम बनते दिख रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 टाइम्स दिस इज v माइनस 2 भी कंसाइडेड बाय, तो देयरफॉर u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4v इंप्लाई u स्क्वायर प्लस 4v इक्वल टू 1, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन शिप बिटवीन u एंड v। तो ऐसा ट्रायल और एरर करके जो दो वेरिएबल दिए हुए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, उनमें हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 9, इफ u इक्वल टू x प्लस y प्लस z, v इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, w इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 टाइम्स xyz, फाइंड डेल u बाय डेल u v w बाय डेल xyz। तो जैकोबियन को मिल जाएगा, ये सिंपल फंक्शन है,
तो पहले से अलग से इनके डेरिवेटिव फाइंड करके रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन में हम डेरिवेटिव्स रख सकते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन पहले जैकोबियन फाइंड कर लेते, फिर आगे की बात डिस्कस करते। तो गिवन दैट, u is equal to x plus y plus z, v is equal to x square plus y square plus z square, w is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Therefore, by definition, Jacobian का j notation दे देते, then u, v, w with respect to x, y, z is equal to determinant del u by del x. चाहे तो इसको शॉर्ट नोटेशन में भी, सफिक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा ना लिखते हुए u सफिक्स x, u सफिक्स y, u सफिक्स z, v x, v y, v z, w x, w y, w z, पार्शियल डेरिवेटिव्स के सिंबल्स है। रखो पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन को देखते हुए, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हो गया, अरे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है ना, तो एक्स वेरिएबल है, बाकी का तो कांस्टेंट होगा, तो एक्स से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन, बाकी का जीरो, व्हिच इज वन, वाई से करेंगे वन, जेड से करेंगे वन। अब वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इट गिव्स टू एक्स, वाई और जेड वाली टर्म का डेरिवेटिव जीरो, जब वाई से करेंगे तो टू वाई, जेड से करेंगे तो टू जेड। W का डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x तो 3x स्क्वायर y क्यूब z क्यूब का डेरिवेटिव जीरो, माइनस 3xy में आएगा, xy z में आएगा, इट इज माइनस 3 टाइम्स y z, x से डिफरेंशिएट किया हुआ y से 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और जब z से डिफरेंशिएट करिए 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ये होगा डेरिवेटिव, उसको देखकर डायरेक्ट लिखे जा सकते सॉल्व करो। तो दिस इज कुछ कॉमन लिया जा सकता है, देखो एक्सपांशन कर सकते हैं, एक्सपांशन डिटरमिनेंट की इवन प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपांड भी कर सकते हैं, तो यहां से टू कॉमन, यहां से थ्री कॉमन, तो ये रो में से टू कॉमन, ये रो में से थ्री कॉमन, तो टू थ्री बाहर वन वन वन, यहाँ x, y, z, यहाँ रह गया x square minus y, z, ये y square minus x, z, और z square minus x, y, okay, अब expand कर लेते, 3 by 3 का determinant है, तो j equal to 6 into 1 multiplied by, ये दोनों का cross product with minus है, तो y से multiply कर दिए, y z square minus x y square, ये product minus ये product y square z minus x z square, one row और column को dot करके ये चार element का determinant, 3 by 3 का determinant solve करते आता होगा, minus ये सब curly bracket में चल रहा है, minus ये इसके साथ में, अब ये चार element का determinant, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y माइनस z के साथ इसको मल्टीप्लाई करते, तो x स्क्वायर z माइनस y z स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट 1 के साथ, ये चार का डिटरमिनेंट x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट x square y minus y square z, ये अरे curly bracket बंद, curly bracket के बाहर 6 है, ओपन करते हैं 6 टाइम्स, ओपन करते सब ब्रैकेट, y z square minus x y square minus y square z plus x z square, ओपन करते चले जाओ, तो ये पूरा सिंपलीफाई करने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक्सप्रेशन आ गया। अब कुछ टर्म्स कट रही है, y z स्क्वायर माइनस y z स्क्वायर गया, माइनस x y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर ये गया, माइनस y स्क्वायर z माइनस y स्क्वायर z प्लस y स्क्वायर z गया, x z स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर से गया,
एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड से, तो सारा रिजल्ट एडिशन करने के बाद जीरो, तो दिस इज सिक्स टाइम्स जीरो इट इज इक्वल टू जीरो, सिक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो. दस जे विच वॉज डेल यू वी डब्ल्यू बाय डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो इम्प्लाई यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड, फंक्शनली रिलेटेड बाय अ रिजल्ट, बाय अ रिजल्ट. तो टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड डब्ल्यू, ये एक्सप्रेशन को यदि ध्यान से देखें, x plus y plus z, x square plus y square plus z square, x cube plus y cube plus z two minus 3xyz, तो कुछ algebraic identity हम recall कर पाते हैं क्या? x plus y plus z का cube है ना, उससे related terms दिख रही है, तो ऐसी कोई identity हम recall कर पाते हैं क्या? तो yes, we know that x plus y plus z का cube is equal to x cube plus y cube plus z cube plus 3 times xy plus xz plus yz into x plus y plus z minus 3xyz. ये standard identity है. X plus y plus z का cube is x cube plus y cube plus z cube plus 3 times एक्स वाई, यानी दो दो टर्म का प्रोडक्ट लेकर एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड का सम है इनटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड. अब ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कुछ टर्म्स तो यू वी डब्ल्यू से रिलेटेड है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये इसके साथ आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई के साथ डब्ल्यू आ जाएगा. ये जो टर्म है, ये टर्म यहां दिख नहीं रही है, तो इसको पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका. तो दिस कैलकुलेशन इज x plus y plus z cube is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3 times x y z, उसको इधर ला लें जिससे हम इसको w लिख सके, ये बन गया अपना u का cube, ये बन गया w, और इसकी बात कर लेते हैं 3 टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं एक-एक को एक्सपांड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ एक्सप्रेशन है नहीं यहां पर, तो x के साथ x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर z प्लस x y z, x के साथ y के साथ x y स्क्वायर प्लस x y z प्लस y स्क्वायर z, y के साथ मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट ओपन के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी z के साथ x y z प्लस x z स्क्वायर प्लस y z स्क्वायर. तो यहां एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीन बार आते दिख रहा है, तो और इसको लिखा जा सकता है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड प्लस थ्री टाइम्स, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसी टर्म्स है, एक का स्क्वायर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई है एक्स स्क्वायर जेड है, वाई स्क्वायर एक्स है वाई स्क्वायर जेड है, जेड स्क्वायर एक्स है जेड स्क्वायर वाई, तो इनको एक साथ लिख दिया, और एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो रिलेशन बिटवीन यू वी डब्ल्यू फाइंड करना है. ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को देखते हुए कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वो रिकॉल करते हैं. वी नो दैट x plus y plus z का cube is equal to x cube plus y cube plus z cube plus 3 times xy plus xz plus yz times x plus y plus z minus 3 times xyz. ये याद रखिएगा. अब देखो ये तो u दिख रहा है प्रॉब्लम में, ये इसके साथ minus 3xyz w हो जाएगा, ऐसी कोई टर्म, ये तो u है लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं दिख रही है रिलेशन में, तो इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं.
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ माइनस थ्री एक्स वाई जेड लगे, ये डायरेक्ट हम डब्ल्यू लिख सकेंगे, इसको एक्सपांड करते हैं, पूरा 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 एक्सपांड करो, एक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, वाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट, जेड के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, और फिर यहाँ पर कुछ पैटर्न की टर्म है, एक का स्क्वायर दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर जेड की टर्म होगी, जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर वाई के साथ होगा, और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड है, ब्रैकेट में बाहर चाहिए, तो नाइन एक्स वाई जेड मिल गया एक्सप्रेशन। अब ये इसके लिए हम यू वी डब्ल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन के लिए फिर यू वी डब्ल्यू नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे मिल सकता है इसके बारे में सोचते हैं। स्क्वायर के साथ लीनियर पावर का एक वेरिएबल मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो स्क्वायर के साथ लीनियर वाला जो एक्सप्रेशन उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो एक प्रोडक्ट लेकर देखते हैं, यू वी का प्रोडक्ट लेकर देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन करें, पूरा पूरा ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की टर्म मिलती है, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो इसी पैटर्न में, इस पैटर्न में, तो ये टर्म को एक तरफ रखकर बाकी टर्म शिफ्ट कर लेते हैं, इसको शिफ्ट कर लिया, और इसकी वैल्यू, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, इसको बी नाम देते हैं, इसमें पुट करते हैं, ए में पुट करते हैं, तो पुट वैल्यू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम बी इन ए, वी गेट क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू क्या है, यू थ्री टाइम्स इसकी वैल्यू है यू वी माइनस ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और फिर ये भी है बचा हुआ नाइन एक्स वाई जेड प्लस नाइन एक्स वाई जेड, तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करते चलते, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा वैसे ही, इसका कुछ नहीं किया, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, थ्री यू वी माइनस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस नाइन टाइम्स एक्स वाई जेड, ये दोनों में से माइनस थ्री कॉमन लिया जा सकता है, तो फर्स्ट हम तो एज इट इज है, प्लस थ्री यू वी, ये दोनों में से माइनस थ्री कॉमन लीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड, अब जितने भी टर्म्स है वो सब हम यू वी डब्ल्यू के टर्म में लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज यू का क्यूब, राइट हैंड साइड में ये पूरा एक्सप्रेशन डब्ल्यू, ये थ्री यू वी अपनी जगह माइनस थ्री टाइम्स, ये पूरा एक्सप्रेशन डब्ल्यू, तो ये हो गया यू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ मिलेगा थ्री यू वी माइनस टू डब्ल्यू, माइनस टू टर्म इधर ले लिया, तो थ्री यू वी माइनस यू क्यू, यहां पर भी आंसर छोड़ सकता है, दिस इज ऑल्सो आंसर, और टू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू कॉमन थ्री वी माइनस यू स्क्वायर, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन यू वी एंड डब्ल्यू। तो ये फोर्थ टाइप के, फोर्थ कैटेगरी के प्रॉब्लम है जैकोबियन में, तो जैकोबियन के सभी टाइप के प्रॉब्लम हमने क्लास में डिस्कस कर लिए, तो इसके साथ जैकोबियन ये टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।